पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते द्वारका में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि ये भीड़ बता रही है दिल्ली में माहौल बीजेपी के पक्ष में है। पीएम ने कहा वोटिंग से चार दिन पहले बीजेपी के पक्ष में ऐसा माहौल कई लोगों की नींद उड़ा रहा है। कहा कि अब ये साफ हो गया है 11 फरवरी को क्या नतीजे आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों पर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा 8 तारीख को सजा देने का मौका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम पर सरकारी उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो ताजमहल भी बेच सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी और अंबानी के लिए है, ये सरकार सिर्फ 15 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। राहुल ने कहा पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिलचस्पी नौजवानों को नौकरी देने में नहीं है, इसके उलट वो सत्ता में रहने के लिए एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीए एनआरसी को और एनपीआर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा ये तीनों काला जादू की तरह है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के खौफ से पश्चिम बंगाल में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जामिया में फिर माहौल गर्म है। जामिया के गेट नंबर 5 के पास कुछ लोग जबरदस्ती घुस गए, नारेबाजी करने लगे। बड़ी संख्या में लोगों ने जामिया के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ में जुटे लोगों ने देश के गद्दारों को गोली मारो ऐसे नारे लगाते हुए जामिया प्रदर्शन स्थल की तरफ घुसने की कोशिश की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया और सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के हक में वोट अपील की। जिले के कृष्णानगर में जनता को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर ने कहा कि केजरीवाल जनता को भ्रमित करने में लगे हैं, दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि देश का विभाजन करने वाली मानसिकता आज भी जिंदा है। विज ने कहा देश का विभाजन करने वाली मानसिकता कभी शाहीनबाग, कभी जामिया मिलिया, तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में सामने आती है। देश को एक रखने के लिए इसे समझना जरूरी है। विधायक बलराज कुंडू की शिकायत पर एसआईटी बनाई गई है जिसका गठन गृह मंत्री अनिल विज ने किया। 3 सदस्यीय एसआईटी जांच करेगी। इस एसआईटी में अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शामिल है, चीफ इंजीनियर और एक रिटायर्ड अधिकारी को भी शामिल किया गया। मनोहर सरकार पार्ट 2 के 100 दिन पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा और कहा कि अभी तक सरकार ने काम करना शुरू नहीं किया। हुड्डा ने कहा कि महकमों और कुर्सी की लड़ाई में सरकार उलझी है, कहा काम करना कब शुरू करेगी प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष ने कहा किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वहीं शहरों में गैर कानूनी कॉलोनियां काटी जा रही हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और ने सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर एक बयान दिया और कहा कि 100 दिन में 50 विकास के काम करवाए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा सरकार ने अदालतों में हिंदी का काम शुरू कराया, इसके साथ ही बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। गठबंधन सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। पंचकुला में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अर्जुन अवार्डी रेसलर बबीता फोगाट और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को खेलों में आगे ले जाने के लिए महिला कोच रखी जाएगी। विधायकों के पेंडिंग बिल पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, कहा सरकार ने 100 दिन में बहुत अच्छा काम किया। कुरुक्षेत्र में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि वादे पूरे नहीं किए गए, कर्मचारियों की मांगे पूरी हो, टकराव का रास्ता बंद हो।